तीन जंगे कश्मीर के नाम पे कर चुके हैं और मजीद मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भारत से हमें कश्मीर लेना है। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम खीर देंगे। इन पाकिस्तानियों को फोड़ के रख देगा, तोड़ के रख देगा, मरोड़ के रख देगा। यार आज कुछ बुरा होने वाला कि मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। भारत ने आज से 76 बरस पहले जबरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर तसल्लुत कायम किया। चुप साली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पे चढ़े पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे पाकिस्तान को पाकिस्तान तो बना लो पहले। एक बंदी और सुने जिसको पता नहीं है कि चीनी किस भाव है, आटा किस भाव है, और वो जूता पहन रही है 2 लाख का, सूट पहन रही है 4 लाख का। उसके पार्टी के बंदे कह रहे कि मरियम नवाज जो है 500 और 600 रुपए के जो है कपड़े पहनती है। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। क्या बोला तूने? मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और आप ये मत समझना कि मैं ये हवाई तीर मार रही हूँ, हवा में बातें कर रही हूँ। अबे बिल्कुल गलत फहमी है ये। आज का वीडियो शुरू से लेकर एंड तक फुल रोस्टिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिजा की माँ की आँख। नो। फिजा की माँ की आँख। ऐसे नहीं होते। जिन्ना की माँ की आँख। सुनते जाइए। पाकिस्तान की माँ की आँख। सुनते जाइए। तो चलते हैं मनोरंजन करने। गाड़ी स्टार्ट कर। मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या? हलवा पकाओ। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या? नहीं। सूजी। सूजी है, सूजी। हलवा पकाओ। अरे चुप हो जा पापियो। सर सजदे में रखकर खूब रोते हुए कहने लगी कि ऐ दोनों जहानों के मालिक, तेरी इस गुनाहगार बंदी से ऐसी क्या खता हो गई? ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि आए दिन मेरा दिल इस गम का शिकार रहता है कि मेरा इमरान खान किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह, अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें। मुझ कमजोर पर अपना करम फरमा दे। तुम्हारे ऊपर तो लानत भेजी है अल्लाह ने। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह। यो यो किट्टू भाई। भीगी आंखों से अर्ज ये किया, एक बारी और। कि ऐ मेरे रब, बीच भंवर कश्ती बड़ी दूर किनारा है। अब अगर तू सैकड़ों साल भी मुझे इसी तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख ये अल्लाह अपने बंदों पर इसलिए भेजता है कि वो उनके दर्जात बुलंद करना चाहता है। कि क्या बाहिजाब खवातीन को डराना मर्दानगी है? जाब में लिपटी तवाइफ। रियासत मध्य प्रदेश के स्कूल में भी हिजाब करने वाली तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। वजीर तालीम का ये कहना है कि जी हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और नहीं तो क्या? जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खलीफा और मैं हूँ बिखारिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आप देख रहे हैं बिखारिस्तान के सबसे छोटे न्यूज चैनल होल न्यूज का सबसे बकवास प्रोग्राम। ऐसे ही चलेगा। जैसे मैं चलाऊंगी वैसे ही चलेगा। ठीक है। और एक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। कान खोल के सुन लो मोदी, ऐसे ही चलेगा। Not bad, not bad.
अच्छा नाजरीन, हमारी खुद की पोर की आवाम कहाँ पर अपने जज्बे से जहालियत फैला रही है, हम इस पर बिल्कुल अमल नहीं करेंगे। लेकिन भारत के वजीर आजम मोदी कहाँ पर सांस ले रहे हैं, इस पर भी हम बहस करेंगे। क्योंकि जो वो CO2 छोड़ेंगे उसका सी हम अपने खाली दिमाग में रखेंगे और O2 से हम सरवाइव करेंगे। हर जालिम को मिटाने के लिए कोई ना कोई मसीहा आता है, और उस मसीहा का नाम क्या है? जैसे नरेंद्र मोदी। हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस होवे, ट्रांसपोर्ट का। कहाँ का बिजनेस होवे? ट्रांसपोर्ट का। बीच में ना बोल। जैसे नरेंद्र मोदी का बीच में ना बोल। अरे माथे पर यो नहीं लिखिया कि हम चीटर हैं, जैसे थारे माथे पर लिखियो है। केड़ा लिखियो भाई? चीटर। बीच में ना बोल। जैसे नरेंद्र मोदी। मैं माजरत चाहती हूँ। अब आए ना लाइन पे। 5 फरवरी को नारा लगाते हैं कश्मीर कश्मीर, क्या मिलता है आपको मुझे ये बताएं। साल में एक ही दिन होता है कश्मीर डे, 5 फरवरी। 5 को ऐसा क्या हुआ था, 5 ही तारीख को क्यों? आई थिंक 5 फरवरी को जिद्दा का हलाला हुआ था, शायद इसलिए 5 फरवरी रखा है। पाकिस्तान एक लोटा है और उसकी डेफिनेशन बताएंगे ये मोहतरमा। लोटे की डेफिनेशन ये है कि लोटा हमेशा घूमता है। आपको मैं बता देती हूँ, ये देखें, ये लोटा घूमेगा। क्या डेफिनेशन दी है, जिधर पैसे दिखे उधर पाकिस्तानी लुढ़क जाते। ये कभी इधर आएगा, कभी उधर आएगा। ठीक है, लोटे गेम की औकात है। ये मुल्क का माफिया है, कोई दीनमान नहीं है। जहादी भी बन जाएंगे, लिबरल भी बन जाएंगे, जिधर पैसा बच जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुज़ाकराती अमल मौजूद नहीं, कश्मीर के कलीदी मसले का। एक बारी और। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मनसूबा बेनकाब हो गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। अरे नहीं, हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। इस बंदे के पास सिर्फ एक ही काम है, भारत मोदी भारत मोदी भारत मोदी भारत मोदी मोदी भारत 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 मोदी भारत 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 मोदी भारत भारत मोदी भारत भारत मोदी। अरे बेचारा भाई, जरा हिंदुस्तान के टीवी पर प्रोग्राम से देखे पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहे हैं। अच्छा कि जी भीख मांगने के लिए निकले हुए हैं, मुल्क में पैसा नहीं है, डॉलर सब दुनिया के सामने है, अब तो कोई चीज छुपती नहीं है ना। आप गूगल करें तो पता चल जाएगा पाकिस्तान के हालात। रुको जरा, अप्पू आ रहे हैं। तेरा बाप आया। भाइयो बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। वाह मोदी जी वाह। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। वाह मोदी जी वाह। ठीक किया कि नहीं किया? यस। ठीक किया कि नहीं किया? यस। आप खुश हैं? यस। फिजा को गोली मारो, आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया, और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। okay. आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।